जय श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का धर्मा लाइफ पर। मैं नेहा राजपूत लेकर आई हूँ आपके लिए मार्च का यानी कि साल 2024 के तीसरे महीने का मासिक राशिफल मंथली हॉरोस्कोप। पूरे 30 दिन की बात करेंगे। हर दिन मैं दैनिक राशिफल डेली हॉरोस्कोप तो लाती ही हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 दिनों की यानी कि पूरा मार्च का महीना सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। एक एक करके बताऊंगी कौन कौन से तीज त्यौहार आने वाले हैं, ये भी बताऊंगी कौन कौन से बड़े ग्रहों का गोचर होगा जो अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और जिनका असर आप पे पड़ेगा, ये भी बताऊंगी। हर राशि के लिए एक उपाय, लकी कलर, लकी नंबर, सारी जानकारियाँ दूंगी। चाहे आपकी वैवाहिक जीवन हो, प्रेम जीवन हो, आपकी हेल्थ हो, जॉब हो, बिजनेस हो, पैसा हो, हर चीज़ कवर करने वाले हैं। यानी कह सकते हैं ये 30 दिनों का राशिफल जो है यानी मासिक राशिफल आपके लिए मार्च के महीने के लिए हेल्प करेगा। आपको किस तरीके से उसको प्लान करना है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो शुरुआत करते हैं 30 त्यौहार से। तो ये तो हमने जाना कि कौन कौन से तीज त्यौहार आने वाले हैं। अब नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन से बड़े ग्रहों का गोचर होगा। 7 मार्च को बुध का मीन राशि में गोचर होने वाला है। इसके अलावा 7 मार्च को एक और बड़े ग्रह यानी शुक्र का भी कुंभ राशि में गोचर होने वाला है। अगला जो गोचर होगा वो 14 मार्च को होगा। सूर्य का मीन राशि में प्रवेश है। 15 मार्च को मंगल का कुंभ राशि में प्रवेश होगा। इसके अलावा 26 मार्च को बुध देवता चले जाएंगे मेष राशि में। आखिरी गोचर जो है वह 31 मार्च को शुक्र का मीन राशि में। तो बड़े ग्रहों का गोचर मैंने आपको बता दिया। अब एक एक करके चलिए जानते हैं कि राशिफल क्या है। लेकिन उससे पहले जिन लोगों का बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई खास दिन आता है मार्च के महीने में, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरुआत मेष यानी एरीज के साथ। आप बिजनेस करते हैं, कोई आपका पुराना समझौता, पुरानी कोई चीज जो है टूट सकती है, यानी बिजनेस पार्टनर के साथ अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं प्रॉब्लम आने वाली है, ध्यान दीजिएगा। जॉब करते हैं तो नई जॉब की तलाश में अगर आप थे, आप नई जॉब ढूंढ रहे थे, कुछ ऑफर्स आने वाले हैं लेकिन आप उन ऑफर्स को कहते हैं कैश नहीं करा पाएंगे, आप वो ऑफर्स ले नहीं पाएंगे। आंख और कान खुले रखिएगा, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, नहीं तो रिजल्ट आपके जॉब और बिजनेस के मामले में आपके अगेंस्ट चले जाएंगे। हेल्थ की बात करूं तो आपको महीने के मिड में यानी माह के मध्य में सिर से जुड़ी या फिर आपको कंधे से ऊपर जो है कुछ समस्याएं आएंगी। साथ ही जिन लोगों को पैर हड्डियों की दिक्कत थी, घुटनों में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, योग आदि करने की कोशिश करें। निजी जीवन पे आते हैं, सबसे पहले लवर्स की बात कर लेते हैं। आपको अगर आप अपने पार्टनर से दूर रहते हैं यानी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो मिलने का प्लान कर सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं आपके इस महीने, लेकिन यात्रा के दौरान पूरी सावधानी बरतनी है, नहीं तो हेल्थ का पर असर पड़ेगा। फैमिली में भी, घर के किसी काम को लेकर भी आपको हो सकता है कि आप बाहर ट्रैवल करें। तो ओवरऑल देखा जाए ये महीना मिला जुला रहने वाला है। आपके लिए एक उपाय, कोशिश करें कि मार्च के महीने में आप शिव जी की भक्ति जरूर कीजिए, शिव जी की पूजा, उनके किसी भी एक मंत्र को चैंट कीजिए। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 7। लकी कलर की बात की जाए वो है आपके लिए मार्च के महीने में शुभ रंग जो आएगा बनके आपके लिए वो है मैरून कलर। आप मैरून कलर या फिर रेड कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगली राशि पे चलते हैं, वो है वृषभ राशि यानी कि टॉरस। तो टॉरियंस के लिए देखा जाए ये मार्च का जो महीना है, अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये जो महीना रहेगा किसी सरकारी नौकरी या सरकारी बैंक में, इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, आपको उसमें अच्छे, आपको किसी से गाइडेंस मिलेगी और आप इधर की तरफ आगे जो है जा सकते हैं, एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। घर में कोई गेस्ट आने वाला है, नया मेहमान भी आ सकता है। फैमिली में आपके बहुत ही स्पिरिचुअल माहौल रहेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ सब अट्रैक्टेड रहेंगे, आध्यात्मिक माहौल रह सकता है। हेल्थ की बात करूं तो आपको अपनी बॉडी के लेफ्ट साइड का ध्यान रखना है, बाएं हिस्से में थोड़ी शिकायत हो सकती है। डॉक्टर के पास जाने में आप बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा मत, कहते हैं ना जितनी जल्दी आप अपनी बीमारी को पकड़ लेते हैं उतना ज़्यादा आपको अच्छा जो है आप जल्दी उस पर काबू पा लेते हैं। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है वृषभ राशि वालों को, नहीं तो स्थिति बिगड़ जाएगी, एक आपके लिए सलाह है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे थे या जॉब जो है आप कहीं न्यू जॉब देख रहे थे, जॉब चेंज करना चाहते थे, तो अच्छी जॉब मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए एक उपाय, गणपति की आराधना जरूर करें। आपके लिए लकी नंबर 3 है। मार्च के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए शुभ रंग रहेगा सफेद, व्हाइट कलर का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। अब बारी मिथुन राशि की। सबसे पहले जो लोग जॉब करते हैं अपने काम की जगह पे, अपने पार्टनर के साथ, कलीग के साथ, बॉस के साथ, हो सकता है कि कहा सुनी हो जाए, तो ध्यान दीजिएगा।
न्यू जॉब की तलाश आप करते रहेंगे, नई जॉब सर्च में आप न्यू जॉब सर्च में रहेंगे, उसमें आप सक्सेस भी पाएंगे, यानी आपको जॉब मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं, लंबे दूरी की यात्रा आपके योग में है, कोई न्यू डील में भी आप हाथ आजमाने वाले हैं, पैसे की बात कर लेते स्थिति बेहतर रहेगी, आप कुछ सेविंग्स भी करेंगे लेकिन सेविंग्स से आपके पैसे जो है आपकी ज़रूरतों पर ज़्यादा खर्च होने वाले हैं। घर में अगर छोटे बच्चे हैं आपके या छोटे भाई बहन हैं, कोशिश करें उनके साथ अच्छे से समय बिताने की, उनको जानने की, क्योंकि वहाँ दिक्कतें आने वाली हैं। रिश्तों में पार्टनर के साथ, लव पार्टनर के साथ मिलकर कुछ प्लान बनाने वाले थे या बनाया हुआ है, तो उसमें अड़चनें आएंगी, वो आपका प्लान जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आपको, आप अपने जो है जहाँ काम करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपने मार्केट को लेकर, अपने काम को लेकर एक गलत धारणा बना सकते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। सेहत की बात कर ली जाए ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। आपके लिए एक उपाय यह है कि गणपति की पूजा ज़रूर कीजिए। लकी नंबर आपके लिए 8 है। लकी कलर की बात की जाए वो है आपके लिए इस महीने के लिए, मार्च के मंथ में जो लकी कलर आप इस्तेमाल करेंगे वो रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर या डार्क कलर्स का आप ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। कर्क राशि, मार्च का महीना आपके इमोशंस में जो है बढ़ोतरी करेगा, आप भावनाओं में बहेंगे और जिसकी वजह से पैसा भी ज़्यादा खर्चा करेंगे, नुकसानदायक हो सकता है ये सब, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, खर्च पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है उसकी ही खरीदारी कीजिए, ये महीना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपके आसपास के लोगों को आपके में जो है चेंजेस अच्छे ना लगे, आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, तो आंख और कान खुले रखने की ज़रूरत है। आपके पास अगर जो है आपके परिवार पर या आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था तो वहाँ भी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, कोशिश करनी है वहाँ ध्यान देने की। जॉब करते हैं तो नौकरी में सब कुछ आपका ठीक रहने वाला है, काम में आप खुश दिखाई देंगे, बिजनेस करते हैं वहाँ भी लाभ के आसार बन रहे हैं, परिवार में बच्चों के साथ छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा आपका इक्वेशन रहेगा। आपके लिए हेल्थ की बात करें, कोशिश करनी है बहुत ज़्यादा भागदौड़ ना करें। आपके लिए महा उपाय क्या रहेगा मार्च के महीने के लिए, माता महिलाओं को खुश रखें, उनका आशीर्वाद लें और उनको कुछ मीठा खिलाएं। लकी नंबर की बात करूं वो है आपके लिए नंबर 1, यानी 1 नंबर है आपके लिए लकी रहेगा इस समय। और अगर बात करूं लकी कलर की, तो ये महीने जो है मार्च के महीने को शुभ बनाने के लिए आप पिंक कलर या फिर आप लाइट कलर्स का इस्तेमाल कीजिए। अब बारी सिंह राशि की। घर पर आपकी अगर पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, आर्थिक स्थिति से जुड़ी आपकी परेशानियां चल रही थी, तो हो सकता है कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वो किसी और की परेशानी बनी बनाई हो, नज़र आपके ऊपर लगी हो सकती है। बचने के लिए कोशिश करें कि आप जो है अपने आसपास के लोगों को बहुत ही वाइजली चूज़ करें, स्मार्टली चूज़ करें, और अपने अपने ऑरा को, अपनी बॉडी को, अपने घर को थोड़ा सा नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए कुछ रेमेडीज़ भी करते रहें, जो मैं आपको वीडियो के अभी आखिर में बता दूंगी। बाकी आपको अपने जो भी आपको लगता है कि ये मुझे इंसान परेशान कर सकता है, उनसे बच कर रहिएगा, किसी तरीके के उनसे झगड़े में, विवाद में जाने की ज़रूरत नहीं है। परिवार में आपको जो है आपसे किसी बात को लेकर लोगों की एक्सपेक्टेशन रहेगी और आप उसको पूरा करेंगे, यानी फैमिली रिलेशनशिप आपका ठीक रहेगा। पार्टनर के साथ, लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ जो है आपको कोशिश करनी है कि बनाकर चले, उनके नेचर में थोड़ा सा चेंज आपको दिखाई देगा, लेकिन आपको उनको खुश रखना है, उनको पसंदीदा चीज़ें दिलवाइए, बाहर घुमाने लेकर जाइए। अगर आप शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, सिंगल हैं, तो आपको ननिहाल पक्ष से या फिर कहीं और से कुछ अच्छा रिश्ता आ सकता है जो सभी को पसंद आएगा और आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। सेहत की बात की जाए तो आपको बॉडी के मिड पार्ट में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, ध्यान दीजिएगा। लकी नंबर आपके लिए 5 है। लकी कलर की बात की जाए तो सिंह राशि वालों को मार्च के महीने को शुभ बनाने के लिए आपको येलो कलर का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर आप जो है ऑरेंज कलर भी चूज कर सकते हैं। अब बारी कन्या राशि। कन्या राशि वाले, अगर आपके बच्चे हैं तो इस महीने उनसे कहा सुनिए, उनके साथ रिश्ते जो है उस पर वो प्रभावित होगा, कोशिश करनी है कि आपको उनको समझाने बुझाने की, क्योंकि उनका व्यवहार जो है, उनका नेचर जो है आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। गुस्से में आकर कोई भी डिसीजन लेने से या उनको डांटने फटकारने से अच्छा है उनको समझाने की कोशिश करें। घर में जो भी लोग हैं, घर के मेंबर का आपको सहयोग मिलेगा और आप अच्छा, आप जो खुश रहेंगे, यानी फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट करने वाले हैं। हेल्थ थोड़ा ढीला ज़रूर रहेगा, आपको वायरल या फिर इन्फेक्शन हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। गर्म तासीर वाली चीज़ों को अपने खाने में शामिल कीजिए, बाहर का तला भुना खाने से बचिए, जितना हो सके हेल्दी डाइट लीजिए, अपने योग आप व्यायाम कीजिए। इसके अलावा आप मानसिक रूप से मेंटली एकदम हेल्दी रहेंगे, मेंटली आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। छोटी मोटी चीज़ों की टेंशन तो लगी रहती है, उसके अलावा और कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है।
कन्या राशि वालों को एक चीज का ध्यान देना है, आंख मूंद पर किसी भी इस महीने भरोसा करने से बचना है। आपके लिए महा उपाय क्या है, चाहते हैं कि ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा बीते तो कोशिश करनी है कि इस महीने आप जो है जितना हो सके डोनेट कीजिए, दान कीजिए। लकी नंबर 3 है आपके लिए। लकी कलर की बात करें तो कन्या राशि वाले मार्च के महीने को अच्छा बनाने के लिए नीला रंग यानी ब्लू कलर का इस्तेमाल कीजिए। बारी अब तुला राशि की। इस महीने आपके पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर के साथ नज़दीकियां जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। दोनों कहीं घूमने जाने का प्लान करेंगे, लेकिन कुछ अड़चनें भी दिखाई दे रही हैं, तो कोशिश करें, प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। लव पार्टनर के साथ आप उन पर शक भी कर सकते हैं और आप उन पर नज़र बनाए रखेंगे, यानी लव लाइफ में थोड़ी बहुत टेंशन आपको मिड में, महीने के मिड में दिखाई देगा। दोस्तों के साथ आपकी जो है रिश्ते बहुत बढ़ने वाले हैं, दोस्तों की तरफ आप ज़्यादा जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट हैं, कुछ नया करने का आपको अवसर मिलने वाला है, न्यू एक्सपीरियंसेस आपको अपने लाइफ में मिलेंगे। हेल्थ की बात कर लूँ तो पैर से घुटनों से जुड़ी दिक्कतें आएंगी और कोशिश करनी है कि महीने की शुरुआत से ही आप अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, योग व्यायाम करते हैं तो सही रहेगा। मेंटल हेल्थ की बात करें तो महीने के अंत में किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा मेंटली आप टेंस्ड नज़र आने वाले हैं, परेशान नज़र आने वाले हैं। उपाय क्या करना है, कोशिश करें कि मेडिटेट करें, हर दिन 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। बारी आपके लकी नंबर की, वो है 2। लकी कलर की बात करूं तो तुला राशि वाले मार्च के महीने को शुभ बनाने के लिए रेड ऑरेंज या फिर आप जो भगवा रंग होता है ना उसका इस्तेमाल कीजिए। अब बारी आपके वृश्चिक राशि वालों की, तो कहीं पे आप पहले तो धार्मिक चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, घर आपके घर परिवार में धार्मिक माहौल ज़्यादा रहेगा और आप लोग किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के लिए विचार कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है जो आप बहुत अच्छे से पूरा भी करेंगे। फैमिली के लोगों को और अच्छे से जानने और समझने का आपको मौका मिलेगा। आप सभी के बीच में परिवार में प्रेम बढ़ने वाला है। जॉब बिजनेस करते हैं तो जो लोग नौकरी करते हैं, थोड़ा आराम इस महीने आपको ज़रूर मिलेगा, यानी आप थोड़ा आराम से काम करेंगे और आप अपना बहुत ज़्यादा समय जो है अपने वो टाइम चीज़ों को देंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है, अपनी रुचि के कार्यों को देंगे। इस समय आपके मन में कुछ नया करने का भी विचार आने वाला है। फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई नई चीज़ शुरू करते हैं वो अच्छी रहेगी और वो काम जो आपको पसंद है। लव लाइफ में प्यार बढ़ा रहेगा। हेल्थ की बात कर लेते हैं तो वृश्चिक राशि वाले गाड़ी किसी भी तरीके की, आप जैसे कार या बाइक चलाते हैं, बहुत ही ध्यान से, और कोशिश करनी है कि महिलाओं को कमर के नीचे कुछ दिक्कतें आने वाली हैं, ध्यान दीजिएगा। आपके लिए महा उपाय क्या है, इस महीने को खास बनाना चाहते हैं वृश्चिक राशि वाले, हनुमान चालीसा डेली आपको चैंट करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लकी नंबर 7 है। लकी कलर की बात करूँ वो है आपके लिए सलेटी कलर या फिर आप जो है व्हाइट कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कलर आपके लिए शुभ रहेगा। अब बारी धनु राशि की। काम का प्रेशर धनु राशि वालों पर ज्यादा रहने वाला है, थकान ज्यादा आपके ऊपर हावी हो सकती है, चिड़चिड़ापन आएगा। जब कहते हैं थकान होती है चिड़चिड़ापन आएगा, सभी के साथ कोशिश करनी है आपको कि आप अच्छे से बिहेव करें, सामंजस्य बनाकर चले, नहीं तो चीजें नहीं अच्छी होंगी, सफलता नहीं मिलेगी। हमेशा मन में किसी तरीके की शंका आपके ऊपर रहेगी, मानसिक तनाव बढ़ने वाला है। पार्टनर सपोर्ट करेगा, अच्छी चीज़ ये है कि पार्टनर का, लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर, उनका सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा आप उनके लिए कुछ स्पेशल करते हुए भी नज़र आने वाले हैं। रिश्ते में मजबूती, प्यार मिठास बढ़ेगी। महीने के आखिर में आपको जो है अपनी कोशिश का शुभ फल मिलेगा। आप जो भी मेहनत करेंगे, जिस भी चीज़ में करेंगे, उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपको जो है इस टाइम पे एक ही सजेशन है, संतुष्ट रहने की कोशिश करें। अनसेटिस्फाइड दिखाई देंगे तो सेटिस्फाई होने के लिए आपको कोशिश करनी है कि आप थोड़ा ध्यान, योग, मेडिटेशन या धार्मिक चीज़ों की तरफ जाइए, आपको संतुष्टि महसूस होगी, नहीं तो आप संतुष्ट नजर नहीं आएंगे। हेल्थ की बात कर लेते हैं, खान पान का ध्यान देना है। आपके लिए महा उपाय, धनु राशि वाले जिनको भी आपके जो इष्ट देवता है उनकी पूजा जरूर कीजिएगा। लकी नंबर 9 है। लकी कलर की बात करते हैं तो मार्च के महीने को शुभ बनाने के लिए आप व्हाइट कलर, लाइट पिंक कलर, लाइट ब्लू कलर, लाइट ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मकर राशि, ध्यान दीजिए मकर राशि वालों, फैमिली में हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं, डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, पैसा ज्यादा खर्चा होगा, घर परिवार के लोगों की सेहत पर नजर रखेंगे। आपको काम की वजह से भी कर्जा लेना पड़ेगा, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको वहाँ भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। जो भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं उससे आपका बॉस, आपके साथ करने वाले, काम करने वाले खुश नहीं नजर आएंगे। आप
अगर मैरिड हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट होने के योग बन रहे हैं। अगर आप लवर हैं तो भी आप किसी और की तरफ आपका आकर्षण बढ़ने वाला है। ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आकर या गलत डिसीजन लेने से बचना है। वैवाहिक जीवन में आपको मिठास बनाकर जो है चलने की ज़रूरत है। कुछ अच्छा ट्रैवल या कोई अच्छी चीज़ दोनों के साथ होने वाली है। कहीं से आपको शादी वगैरह का या किसी फंक्शन का इनविटेशन आ सकता है। सेहत की बात करूं तो इस महीने जो है आपको अपनी सेहत का ध्यान देना होगा। मानसिक जो है तौर पर आप थोड़े कमज़ोर नज़र आएंगे। महा उपाय क्या है इस महीने को खास बनाना चाहते हैं तो मकर राशि वाले, कुत्ते को रोटी खिलाइए। लकी नंबर इस महीने आपके लिए है 6। लकी कलर की बात की जाए वो है आपके लिए ग्रीन। चलिए कुंभ राशि पर नज़र डालते हैं। कुंभ राशि वाले, आप अपने रिलेशनशिप्स को लेकर जो है थोड़े सतर्क रहिए। फैमिली में आपकी वजह से बेवजह की जो है आप कहाँ सुनी हो सकती है, तो थोड़ा सेंसिटिव आप ज़्यादा हो जाएंगे। रिश्ते में दूरियां आएंगी तो अपने ना आपको कोशिश करनी है कि आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना है। बात खुलकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोशिश करनी है हर बात लोगों से आप थोड़ा जो है ओपनली करें, मन में चीज़ें ज़्यादा ना रखें। बाकी माता पिता की सेहत का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इस महीने आपको इलेक्ट्रिकल चीज़ें, इन चीज़ों से दूर रहना है, बच के रहने की ज़रूरत है। पैसे की लेन देन में थोड़ी सावधानी रखिएगा, गलत आपको जो है मिल सकता है। शनि आपके ऊपर जो है भारी है इस महीने, तो इसीलिए कोशिश करनी है महा उपाय के तौर पे कि शनि देवता के मंदिर जो है आप ज़रूर जाएं हर शनिवार, और हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें। आपके लिए लकी नंबर की बात करूँ वो है 2। लकी कलर की बात की जाए वो है इस महीने आप ऑरेंज कलर का इस्तेमाल कीजिए। अब बारी मीन राशि वालों की। आपकी फैमिली में कोई फंक्शन हो सकता है जिसमें आप एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने वाले हैं, फेम बढ़ेगा। इसके अलावा आने वाले समय में आप जो है आपके जीवन में खुशी आने वाली है, घर में उत्सव का माहौल रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इस महीने बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, चोट आदि लग सकती है। पैसे कहीं निवेश किए हुए हैं, इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो वहाँ से लाभ होगा लेकिन बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, तो बहुत बेचैनी से कोई भी काम करने से बचना है। और आर्थिक मामलों में, पैसों के मामले में थोड़ा पेशेंस बढ़ा लेने की ज़रूरत है। सेहत की बात करूं, मीन राशि वाले, भागदौड़ ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा सेहत का। खान पान से जुड़ी सावधानियां रखनी होंगी, नहीं तो पेट से जुड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। महा उपाय जान लेते हैं ये महीने को अच्छा बनाना चाहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर गुरुवार को, हर थर्सडे को 108 बार जाप कीजिए। लकी नंबर आपके लिए 4 है। लकी कलर की बात करूं वो है आपके लिए ब्लू कलर। तो जाना हमने कि मार्च का महीना सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। बहुत सारी खास बातें बताई मैंने आपको। मार्च के महीने में होली का त्यौहार है, महाशिवरात्रि है, उनकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी तीज त्यौहार आ रहे हैं, बहुत सारे बड़े ग्रहों का गोचर है। जब जब वो गोचर होगा तो हम आपको गोचर से जुड़ी वीडियो अपने चैनल पर वीडियोस के माध्यम से हम आपको देंगे उसकी जानकारियां। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और कोशिश करें कि अपने आप जो भी सजेशन है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हम आपके सजेशन पर और काम कर सकें और आपको उसी से जुड़ी हुई वीडियोस लाकर दे सकें। प्रभु से यही कामना है कि मार्च का महीना आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशहाली लाए। इस वीडियो में हमने बात की है 30 दिनों की हमारे मासिक राशिफल की। हर दिन शाम को 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ डेली हॉरोस्कोप, तो आप वहाँ से भी जानकारी पा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे तो नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर मिल जाएगा, बार बार चैनल विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, ख्याल रखें। नमस्कार।